मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट कॉन्सेप्ट एंड स्कोप्स ऑफ होम साइंस। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट व्हाट यू मीन बाय होम साइंस। द वर्ड होम साइंस इटसेल्फ सजेस्टेड दैट इट इज कंसर्न मेनली विद द होम एंड इंक्लूड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन इट। इट इज एन interdisciplinary field of science that equips its students for multivocational and career option. Home science, being a very vast field, is defined differently by the various authors, practitioners and researchers. In simple words, home science can be defined as a multidisciplinary field of study that deal with the health, diet, care of child, textile and garments, designings, managing resources and other subjects concerned with the home. कि होम साइंस का मतलब क्या होता है? होम साइंस एक बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत ही तरह तरह की फील्ड, इसमें जैसे कि डाइट है, हेल्थ है, केयर है, टेक्सटाइल है, गारमेंट है, हम कैसे मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम हमारे जो लाइफ की स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत से सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। डूरिंग द फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द लेडी इरविन कॉलेज न्यू डेली, डॉक्टर ए एच रिचर्ड डिफाइंड होम साइंस एज ए मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट डीलिंग्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, क्लीनिनेस ऑफ फूड, एक्विडेंसीज ऑफ क्लोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ होम विद सूटेबल रिसोर्सेज। होम साइंस इज ए प्रैक्टिकल साइंस विच प्रिपेयर द स्टूडेंट्स हेल्प्स टू लीड देयर फैमिली लाइव्स successfully and also helps to solve social and economic problems easily. डॉक्टर जो ए एच रिचर्ड है उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि होम साइंस है वो मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट्स है जिसको जो डील करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर है कि हमारी जो फैमिली इनकम क्या रहती है, उसके एक्सपेंडिचर्स क्या क्या रहते हैं, क्लीननेस ऑफ द फूड है, एक्विडेंसीज कि हमको कितने क्लोथ्स वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, हम हमारा मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम हमारे सिस्टम को, घर के सिस्टम को कैसे चला के सॉल्व करते हैं, उसी में सब इंक्लूड होता है होम साइंस में। होम साइंस ही एक तरह का प्रैक्टिकल साइंस है which helps the students to lead their family successfully and also helps to solve social and economic, कि हमारे जो social और economic की जो भी problems होती है उनको कैसे हम easily solve out कर सकते हैं। Home science is a study of those principles, conditions and ideals which are concerned on the one side with immediate and the physical environment of man and the other with his woman nature. The scholars of home science have defined home science while synthesizing idea on the basis of their own experience. According to Dr. Rajamal P. Devdas, home science includes human environment, family, nutrition, resources management, ह्यूमन डेवलपमेंट साइंस फॉर इम्प्रूविंग कंज्यूमर्स कैपेसिटी एंड ह्यूमिनिटी। उन्होंने ये बताया है कि होम साइंस है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट है कि वहाँ का वातावरण कैसा है उसके आसपास का, उसके फैमिली मेम्बर्स, फैमिली साइज, न्यूट्रिशंस, रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट साइंस और कंज्यूमर्स की क्या कैपेसिटी है, उनमें कैसी मानवता है, ह्यूमिनिटीज है। ओके, तो होम साइंस इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कि होम साइंस को भी दुनिया के अंदर बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक आर्ट, हाउस होल्ड साइंस, हाउस होल्ड आर्ट, हाउस होल्ड इकोनॉमिक, हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेस्टिक साइंस एक्सेट्रा। इन अमेरिका इट इज़ अ फेमस बाय द नेम ऑफ होम इकोनॉमिक्स, वाइल इन इंग्लैंड एंड इंडिया बाय द होम साइंस। कि अमेरिका के अंदर होम साइंस को होम इकोनॉमिक के नाम से जाना जाता है और इंडिया के और इंग्लैंड के अंदर होम साइंस के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्मा, एक राइटर है, उन्होंने डेफिनेशन दी है, होम साइंस इज फोकस्ड ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू डेवलप द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशंस। कि होम साइंस है वो फोकस्ड होता है कैसे, किसके ऊपर, कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम सिस्टमेटिक वे से और प्रैक्टिकल वे से नॉलेज टू डेवलप द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशंस। द आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ होम साइंस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इम्प्रूविंग कम्युनिटी थ्रू हाउसहोल्ड विच कैन बी अचीव बाई सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कि होम साइंस का जो आइडिया और कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड होता है कि हम उसमें कितना सिस्टमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज के साथ में,
ओके, होम साइंस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि होम साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, कि हमारी फैमिली की, कोई इंडिविजुअल कम्युनिटी की, नेशन की क्या पर्सनैलिटी होती है। द मॉडर्न आइडिया ऑफ होम साइंस इज टू क्रिएट ए होम वेयर पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस प्रिवेल, कि जो हमारा मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है होम साइंस का वो क्या होता है, टू क्रिएट ए होम वेयर पीस, कि जहाँ पे शांति होती है, प्रॉस्पेरिटी रहती है, प्रोग्रेस होती है, वो आज का मॉडर्न आइडिया है। वन फैक्टर विच अफेक्ट्स द आइडिया ऑफ होम साइंस इज डेट ऑफ अवेयरनेस टूवर्ड्स इशूज ऑफ वुमेन, अभी के जो मेन इफेक्ट बताया है, फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है अवेयरनेस ऑफ इशूज ऑफ वुमेन टू बोथ मॉडर्न होम साइंस, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बोथ जेंडर टू गेव टू हैव गुड फैमिली एंड प्रोफेशनल्स लिविंग, कि पहले के लोग भेदभाव रखते थे मैन एंड वुमेन के अंदर, लेकिन अभी का ये सबसे बड़ा इन्होंने बताया इफेक्ट्स बताया गया है, तो ये बताया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जेंडर्स को, मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अलॉन्ग विद द मटेरियल्स एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ फिजिकल स्पिरिचुअल्स एंड मॉरल एस्केप्स ऑफ द फैमिली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि हमारी जो आर्थिक है, सामाजिक है, अपलिफ्टमेंट इकोनॉमी का, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम साइंस, ये बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इट ऑल्सो इम्प्लेक्ट्स मॉरल वैल्यूज लाइक हॉनेस्टी, कि होम साइंस के अंदर हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिपेंडेंसीज, इम्पार्शियलिटीज, जो जो घर हाउस होल्ड की कामों में होती है, उन सब में भी क्या होती है, इम्प्लीमेंट्स होती है।